दरअसल बात 1949 की है। न्यूयॉर्क के फेमस उद्यमी फ्रैंक मैकनमारा एक दिन किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाने के बाद जब पेमेंट की बारी आई तो उन्हें पता चलता है कि उनका वॉलेट तो घर में ही छूट गया। ऐसे में फ्रैंक ने रेस्टोरेंट के मालिक से निवेदन किया कि बिल पर उनका सिग्नेचर ले ले और बाद में वो आकर पेमेंट कर देंगे, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर ने उनका बात नहीं मानी। आखिरकार फ्रैंक मैकनमारा को मजबूर होकर खुद को बचाने के लिए अपनी वाइफ को बुलाना पड़ा। उस दिन उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना से फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा सर्विस शुरू की जाए जिसमें लोग साइन करके बाद में पैसा चुका पाए। इस आइडिया ने आगे चलकर पहले अमेरिकन कंज्यूमर फेसिंग क्रेडिट कार्ड कंपनी द डाइनर्स क्लब को जन्म दिया। फिर 1950 से द डाइनर्स क्लब के आने के बाद 1958 में अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने ट्रैवल और एंटरटेनमेंट कार्ड शुरू किया, जिसे पहले लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे समझने के बाद लोगों ने क्रेडिट कार्ड में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे और 18 सितंबर 1958 को वीजा की स्थापना के बाद कैलिफोर्निया के लोगों के लिए करीब 60,000 क्रेडिट कार्ड डाक द्वारा भेजे गए। पहले क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी थी? स्थापना के बाद वीजा मध्यम वर्ग के यूजर्स और मध्यम और छोटे व्यापारियों के लिए 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका में कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका ने $300 की लिमिट वाला पेपर कार्ड लॉन्च करते हुए उसका नाम बैंक अमेरिका कार्ड रखा। फिर 1970 में नेशनल बैंक अमेरिका की स्थापना के 3 वर्ष में यानी 1973 में फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन शुरू हुआ, जिसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग और सेटलमेंट की भी शुरू हो गई। फिर 1974 में धीरे धीरे कंपनी ने अमेरिका के बाहर कदम रखा। उसके बाद 1975 में डेबिट कार्ड का भी शुरुआत हो गई। 1976 में बैंक अमेरिका कार्ड का नाम चेंज करके वीजा कर दिया गया। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी सर्विसेज को फैलाना शुरू किया और अब वीजा 200 से ज़्यादा देशों में अपनी सेवा प्रदान करती है। भारत में पहला क्रेडिट कार्ड कब आया? क्रेडिट कार्ड के उद्योग को भारत में तब लोकप्रियता मिली जब आंध्रा बैंक ने अपना क्रेडिट कार्ड पेश किया। 1985 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्य बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सेंट्रल कार्ड पेश किया। धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड्स जैसे अनेक सुविधा मिलने की वजह से लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया और आज करोड़ों भारतीय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पेमेंट के रूप में करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से क्रेडिट कार्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिली।